Hi friends, welcome back to the Stunning Mom channel. I am Sheetal. Friends, today I am going to share some Amazon products जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे. So without wasting time, let's start it. आइस का बेबी स्ट्रूट है ये और इसको अब मैं ओपन कर रही हूँ आपके सामने ही. Let's see कैसा है. बहुत ही प्यारा है, रेंज वाइज बहुत सुंदर है. इसमें बहुत सारे कलर्स थे मगर मुझे इन रेड बहुत अच्छा लगा और आई थिंक मैं इसको वापस एक बार ट्राई करना चाहूँगी. कपड़ा भी बहुत अच्छा है और ये पहनाने में बच्चों को बहुत इजी रहता है. लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है. सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा. आप देखिए इस तरीके से ये है. इसकी क्वालिटी भी इनका बहुत अच्छी है और लिवाइस ब्रांड का है. रेंज वाइज भी बहुत अच्छा है. मैंने साइज़ हमेशा मैं थोड़ा बड़ा ही मंगवाती हूँ बिकॉज बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं तो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा मंगवाना चाहिए. मैं अभी आपको भी यही सजेस्ट करूँगी. सो बस या सो इट्स रियली गुड. सी ऐसा है ये. और इसके अलावा इसमें नीचे इस तरीके का जो टिप टॉप वाला बटन होता है वो बटन है. इसमें बहुत ही इजी तरीके से ये ओपन हो जाता है और बच्चों को पहनाने में ये बहुत इजी रहता है. इसमें बच्चे भी परेशान नहीं होते और इनफैक्ट पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से इस टाइप के ड्रेस को पहना सकते हैं. सो जो न्यू बॉर्न बेबी हैं स्पेशली उनके लिए तो इस टाइप के ड्रेसेस बहुत ही अच्छे होते हैं. और ये सेट में है 3 कलर्स में मुझे बहुत अच्छा लगा था. सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस और देखते हैं ये कैसा है. सो अगेन दी फैब्रिक इज रियली गुड. और अमेजोन से जो बेबी प्रोडक्ट्स हम स्पेशली कपड़े देते हैं वो बहुत ही अच्छा रहता है. ये देखिए 3 का ये सेट है. इस तरीके से आया होगा आपको दिख रहा हो. ये ऐसे ही सेट है और ये रेड कलर का है. ऐसा 1 2 ब्लू कलर थोड़ा सा डल लग रहा है. आई थिंक इसका कलर ही ऐसा है. सो ये भी बहुत सुंदर है और ये रॉम्पर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. अगेन मैंने ये साइज़ बड़ा ऑर्डर किया है. इसका भी 9 to 12 मंथ्स का और वॉश करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि श्रिंक हो जाते हैं. सो या दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. वाइट कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. इसमें रेड कलर का ऐसा बना हुआ है. सो इस तरीके का है. और आप ये देखिए इसमें भी नीचे ऐसे बटन्स हैं. इस तरीके से बटन से तो ये पहनाने में बहुत इजी होता है और सब ऐसे ही. मुझे रॉम्पर्स बहुत अच्छे लगते हैं. बेबी के लिए की कपड़े भी बहुत अच्छे इसके रहते हैं. सो या सो फ्रेंड्स ये भी मैंने ऑर्डर किया था. ये बेबीज़ के टी शर्ट्स हैं और ये इस तरीके का पूरा पैकिंग था. मैंने इसे ओपन नहीं किया है. मैं इसके आपके सामने ही इसे ओपन कर रही हूँ. और ये काफ़ी दिन से घर पे रखा हुआ था बिकॉज़ अभी जैसे इसका सिचुएशन है मैं तुरंत कोई भी चीज़ ओपन नहीं करती. 3-4 दिन के बाद ही मैं ओपन करती हूँ. और ये देखिए ये पूरा इस तरीके के सेट है. बहुत ही अच्छा फैब्रिक सॉफ्ट फैब्रिक है इसका और इस तरीके के पूरे ये वंजीज़ हैं. तो इसमें ये एक वाइट कलर का है. सेकेंड है ये ब्लू कलर. देन ये लाइट ब्लू कलर का है और इसके बाद ये लास्ट ऑरेंज कलर का है. ये तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा. ये देखिए इस तरीके से ये ऑरेंज कलर का है. मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सॉफ्ट बहुत अच्छा फैब्रिक है. ये गर्बर का है और मैंने ये 12 मंथ्स के हिसाब से ऑर्डर किया था. सो अगर आप चाहें तो आप भी इसे ऑर्डर कर सकते हैं. मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैंने ये एक जंबो ड्रेस लिया था बेबी के लिए और इसमें रेनबो ये प्रिंट है, रबर प्रिंट है जो वॉश करने के बाद बिल्कुल भी नहीं गया. और नीचे इस तरीके के टिप टॉप बटन है जो बहुत इजी होता है. इस टाइप के अगर आप ड्रेस में बच्चों के कपड़े लेते हैं तो ऐसे ही बटन्स वाले लीजिए जो कि डायपर चेंज करने के समय बहुत ईजी आपको पड़ता है. आपको पूरा ड्रेस ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और इस टाइप के जो स्लीवलेस ड्रेस हैं समर्स में बहुत अच्छे लगते हैं. अब तो यहाँ फॉल भी आ रहा है तो फॉल में आप इसके ऊपर एक जैकेट पहना दीजिए. बहुत अच्छा लुक देता है. सो नेक्स्ट इज़ फ्रेंड दिस जैकेट एंड दिस जैकेट इज़ रियली ब्यूटीफुल जैकेट. और ये देखिए इस तरीके से ये बेबीज़ का जैकेट है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी और प्राइस वाइज तो ये जैकेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा. बट ये थोड़ा साइज़ इसका बड़ा है.
इस तरीके के डेनिम जैकेट बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत स्टाइलिश लगते हैं बच्चों के ऊपर। सो ये एक पेयर आपके पास रहना चाहिए अगर आप डेनिम के शौकीन हैं मेरे जैसे। तो ये मैंने एक जैकेट ऑर्डर किया था और इन सबको मैंने ओपन कर दिया है, डिसइंफेक्ट कर दिया है, उसके बाद मैं इसे ओपन किया है। एक्चुअली अब इसे वॉश तो नहीं कर सकते बट मैं आफ्टर 3 डेज़ इन सारे पैकेट्स को ओपन कर रही हूँ। तो ये मैंने जैकेट लिया था, ये अमेज़ॉन से लिया था, बट इसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी आ गई और इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। इसका फैब्रिक भी थोड़ा बहुत पतला है और इसमें बहुत ज़्यादा ये जो फ़र है इस फ़र से रोएं निकल रहे हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इस तरीके का ये पूरा जैकेट है और इसमें ये ऐसा कैप है। सो अगर आप घर के लिए ले रहे हैं तो घर में यू कैन ट्राई, बट टॉडलर के लिए अच्छा है, इन्फेंट के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, न्यूबॉर्न के लिए, बिकॉज़ ये जो रोए हैं इसमें ये उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनके नोज़ में नाक में ये जाके अटकता है और उससे सर्दी हो जाता है। सो ये मैंने लिया था बट मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो अगेन मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। ये सेट बहुत ही अच्छा सेट मुझे वहाँ से मिला, ये 6 का सेट है और इसमें 2 फुल टी शर्ट हैं इस तरीके के, एक वाइट है और ये दूसरा ऐसे लाइनिंग्स में है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और इसके साथ ही 2 हाफ़ टी शर्ट मिले, एक रेड में है और एक ये ब्लू लाइनिंग्स में है। अगेन ये सारे फैब्रिक बहुत अच्छे, जितने भी मैंने आपको यहाँ पे अभी तक ड्रेसेस दिखाए इस सारे फैब्रिक कॉटन और स्ट्रेचेबल हैं। और ये पैंट उसके साथ ही मिला है 2, तो ये इस तरीके से पूरा 6 का सेट है और बहुत रीज़नेबल प्राइस था। इसके अलावा ये 3 का सेट है, हैंड्स का है, ये हाफ पैंट मैंने वहाँ से लिया था। अगर आप ऐसे सेट में लेते हैं ड्रेस बच्चों के कपड़े तो बहुत आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं और अगेन ये फैब्रिक भी इसका बहुत अच्छा है। ये हैंड्स का है, यहाँ पर ये थोड़ा साइज़ मैंने 12 to 18 months का लिया था तो ये थोड़ा बड़ा है, बट दिस इज़ गुड ऑप्शन अगर आप कभी भी टॉडलर। नेक्स्ट इज फ्रेंड, ये खिलौनों का सेट है, रेटल्स का पूरा सेट है, ये बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, बट बच्चा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, न्यूबॉर्न और इन्फेंट के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिकॉज न्यूबॉर्न जो रहते हैं हर चीज़ें नई एक्टिविटीज सीखते हैं तो वो इस खिलौने से अपने सिर पे ही कई बार मार लेते हैं, चोट लगा लेते हैं। तो मैं इसमें अब आपको दिखाऊंगी कि इसमें कितने सारे सेट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वो म्यूज़िकल सेट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, वो इस तरीके से है और इसमें यहाँ पर बटन दिया हुआ है ऑन ऑफ का और म्यूज़िक को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसमें एक सेल लगाना होगा और ये इस तरीके से इसकी म्यूज़िक है और यहाँ से ये चेंज होता है और साथ ही साथ इसमें ये भी है जिसमें लाइट जलता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ये सेट है इसका, दूसरा है इसमें एक ये आया है इस तरीके से, मैं आपको खिलौने का सेट दिखा रही हूँ, और एक ये इस तरीके से झुनझुना है इसमें, और ये एक टीथर है और इस तरीके से एक ये है इसमें, ये कुछ है इस तरीके से। तो आई थिंक बेबीज़ एटलीस्ट 1 साल का बच्चा हो उसके लिए ये सारे टॉयज़ सही हैं और बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छे लगे मुझे। और आई थिंक ये $15-19 में इतने सारे खिलौने मिल गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ इस तरीके के ये बॉक्स में आया है जिसमें कि आप अपने सारे टॉयज़ को डाल के वापस बंद करके रख सकते हैं। सो ये एक अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसके बाद आप मैं वहाँ से एक ये ऑर्डर करती हूँ, फिगारो का ऑलिव ऑयल। सो ये बहुत अच्छा है और इंडिया में मैंने अभी तक अपने फैमिली में सारे मेंबर्स को देखा है कि वो अपने न्यूबॉर्न के लिए यही यूज़ करते हैं, तो लकली मुझे ये अमेज़ॉन में मिल गया तो मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और मैंने शुरू से ये यूज़ किया, मुझे किसी भी टाइप का रिएक्शन उसमें नहीं दिखा, बहुत अच्छा रहा। ये 100% है, स्पेनिश ब्रांड का है ये और ये काफ़ी पुराना है, सिंस 1919 से ये यहाँ पर है, इसका 1919 से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। सो फिगारो ऑलिव ऑयल इज़ एन एक्सेलेंट ऑल पर्पस ऑयल लोडेड विद गॉडनेस ऑफ ऑलिव्स, तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। सो अगर आप लेना चाहें, अगर आप सोच रहे हैं मसाज के लिए क्या चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, कैसा ले सकते हैं, तो आप ये ले सकते हैं।
नेक्स्ट ये हैंगिंग बैग या कैरी बैग लिया था मैंने, और इसे मुझे वापस करना पड़ा बिकॉज़ मेरे बेबी इसमें कंफर्टेबल नहीं रहा। सो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है, अगर आपको बहुत देर तक अपने बेबी को हाथ में पकड़ना है या आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप इसे रख सकते हैं। बट डिपेंड करता है आपका बेबी, हो सकता है कम्फर्टेबल हो या ना हो, अगर नहीं होता है तो यू हैव टू रिटर्न इट, जैसे कि मैंने रिटर्न कर दिया। बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था और हर तरीके से ये बहुत अच्छा है, अगर आपका बेबी कम्फर्टेबल है तो आप इसे ले सकते हैं। सो इस तरीके के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मुझे अमेज़ॉन से मिले, और इस जिस तरीके का अभी जो पैंडमिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा हम बाहर नहीं जा सकते, तो अमेज़ॉन मुझे बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम स्टार्टिंग मैं इस अमेज़ॉन से बहुत सारी चीज़ें बेबी के लिए परचेज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे चीज़ वहाँ से मिल जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे मुझे रिटर्न करना होता है, और मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आप क्या क्राइटेरिया को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं जिससे कि आपको 99% चीज़ें अच्छी मिलेंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर से चेक करिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं प्रेगनेंसी वीडियोस को लेकर, मैं उसके सारे पे सारे जितने भी रिक्वेस्ट जिन सारे सब्सक्राइबर्स ने किया हुआ है, वो सारे सब्सक्राइबर्स से मैं कहना चाहूँगी कि वो आपके सारे रिक्वेस्ट को मैं पूरा करूँगी। भले थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट डेफिनेटली मैं आपके सारे डिमांड को पूरा करूँगी, इन सारे वीडियोज़ को मैं लेकर आऊँगी। सो उसे देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरे फर्स्ट चैनल शीतल तिवारी स्टनिंग क्रिएशन को भी विजिट करिए, अगर आपको पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करिए। उस चैनल में मैं बात करती हूँ लाइफस्टाइल, ब्यूटी के बारे में, फैशन के बारे में। सो गो एंड विजिट दैट चैनल ऑल्सो। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।